मिस रिचा आप कहीं काम कर रही हैं, आप कोई वर्क कर रही हैं? नहीं, तो आपने 2012 तक पढ़ाई की, तो तब से अब तक क्या है, ये 8 साल कहाँ? सर मैंने कुछ टाइम अपने फैमिली वेंचर में काम किया था, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो दैट इन गवर्नमेंट डिटेल्स. तो इतना देर के बाद ये गैप आप के बाद आप कर रही हैं, तो ऐसा क्या इंटरेस्ट है आपको इस सर्विस में क्या कर? सर मैं सिवान की रहने वाली हूँ, और जिन दिनों मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, तो ऐसे में डीएम और एसपी के रूप में श्री सीके अनिल और श्री रत्न संजय के कार्यकाल में जिस तरीके से उसमें सुधार हुआ और उसका जो गुणात्मक प्रभाव पड़ा हमारे जीवन पर, कहीं ना कहीं वो आज भी मेरे लिए मोटिवेशन है जिसके कारण मैंने सिविल सेवा में करियर बनाया. मिस रत्न, आप टेनिस की शौकीन हैं? यस. तो अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट हुआ था? यस. उसमें कौन जीता? कौन था सर? मेल मेंस नोवाक जोकोविच और वुमेन्स में सोफिया के. अब अगला कहा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स खेलाते हैं? यस सर. आप में एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया. यस. अब कौन-कौन से बाकी रह जाते हैं ग्रैंड स्लैम? सर फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और सबसे लास्ट में अमेरिकी यूएस ओपन. हमारे यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोई खेला? यस सर. कौन था? सर प्रंजेश गुणेश्वरन मेंस सिंगल्स में खेले थे. शो में किस पोजीशन तक पहुंचे? फर्स्ट राउंड में. फर्स्ट राउंड. अच्छा ये बताइए कि नागालैंड में किसी तरह की इंसर्जेंसी है कि नहीं? सर नागालैंड में इंसर्जेंसी की समस्या है अभी भी. वहाँ पे जो एनएससीएन खापलांग ग्रुप है उसके साथ भारत सरकार का अभी भी शांति समझौता नहीं. और जो NSCNIM है उनके साथ एक तरह का समझौता हुआ है. yes. पर उनकी जो डिमांड है एक ग्रेटर नागालैंड की, तो मुइवा कभी कहते हैं कि अभी भी हमारी डिमांड है. ये ग्रेटर नागालैंड की बार बार जो डिमांड करते हैं, क्या डिमांड है? सर ग्रेटर नागालैंड के अंतर्गत वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के वो इलाके जिसमें नागा लोग रहते हैं, इसके अलावा असम के इलाके जिसमें नागा निवासी हैं, और मणिपुर के वैसे क्षेत्र. इन सब जो ये तीन जगह से चाहते हैं ये सबको मिला के. अच्छा ये हुआवी कंपनी जो है चाइनीज कंपनी और यूएस के बीच में क्या है, झगड़ा क्या चल रहा है? सर अमेरिका ने हुआवी कंपनी पे अपनी टेक्नोलॉजी के चोरी का आरोप लगाया है, और साथ में उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं उनके सिस्टम्स में, एक तरह की स्पाई का काम कर रहे हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट के लिए. कुछ दिन पहले इन्होंने एक मोबाइल की जो लेडी है जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी उसको कैनेडा में अरेस्ट कराया था. क्यों? अब वो क्या, उसकी क्या स्थिति है? सर वो अब तो शायद छूट नहीं जाता मुझे. अभी तो खैर केस चल रहा है, वो बेल पे है. यूएस चाहता है कि उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए. अब यूएस ने अपने जितने एलाइड कंट्रीज हैं उनसे भी कहा है कि हुआवे को मत यूज करो, है ना? तो यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने, क्या इंडिया ने क्या अभी तक डिसीजन लिया? सर इंडिया, हाँ यूएस ने बोला था इंडिया की 5G के लिए हुआवे मत लीजिएगा, बट इंडिया ने ली है सर्विस हुआवे की. तो नहीं है, हमने कहा कि ट्रायल ऑर्डर और भी सब कर रहे हैं तो वो भी करेंगे. यूके ने क्या किया, कुछ आइडिया? अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है नेटग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये क्या? सर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है जितने भी हमारे देश के खुफिया इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आती है उन सबको एक एजेंसी में एक जगह पे करने के लिए नेटग्रिड का गठन किया गया है, क्योंकि ये डिटेल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आती है और एक जगह नहीं. तो NCTC बनने की बात है जिसमें कि इंटेलिजेंस आती है, नेटग्रिड तो कुछ और, नेटग्रिड जो है वो कोई और. अच्छा ये बताइए, उसको आप चेक कर लीजिएगा. यस. ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने में केस था, विमेन ऑफिसर जो थी आर्मी yes. वो उनके फेवर में भी डिसीजन हुआ, क्या डिमांड थी उनकी और कोर्ट ने क्या? सर जो डिमांड थी वो थी कि
दे वांटेड कि वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया जाए और साथ में उनको भी कमांडिंग पोजीशन दी जाए जिन सर्विसेज में उन्हें उनके लिए ओपन करके रखा गया है शॉर्ट सर्विस के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू. और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा है कि उन्हें परमानेंट कमीशन देना चाहिए और उनके लिए कमांडिंग पोजीशंस भी ओपन करना चाहिए. कमांडिंग पोजीशन माने कॉम्बैट रोल्स. यस कॉम्बैट कोर में ऐसे उस. थैंक यू. यू टेल मी यू डिड कंप्यूटर साइंस राइट. यस. देन यू टोल्ड हिस्ट्री. यस. व्हाई सर एक्चुअली कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है यूपीएससी के ऑप्शंस ऑप्शनल स्ट्रीम एक तो ये रीजन था. दूसरा सर हिस्ट्री से जीएस का एक जीएस जनरल स्टडीज पेपर का एक अच्छा खासा सेक्शन कवर हो जाता है तो इन दो कारणों से चूज किया अच्छा. यू टेल मी आपने सीके अनिल और वो लॉ एंड ऑर्डर का बताया क्या किया था जो जिससे लॉ एंड ऑर्डर सटेंडिंग. सर वहाँ पे जो भी आपराधिक तत्व थे उनके ऊपर उन्होंने बहुत कड़ी कार्रवाई की थी. इसके अलावा उनके आने के पहले सिवान में शाम के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे तो वो जो स्थिति थी उसमें काफी सुधार हुआ. तो किसी को अरेस्ट वरेस्ट भी किया? यस सर. किसको? सर वहाँ के जो उस समय के सांसद थे उन्हें अरेस्ट किया. क्या नाम था? मोहम्मद शाहबुद्दीन. उस पे कोई फिल्म भी बनी है? यस सर. क्या नाम था? अपहरण. You think they did the right thing by arresting him? Because I am told he was also helping a lot of people. Kind of Robin Hood. जो कि उस फिल्म में भी दिखा है. सर उन्होंने उनको जब अरेस्ट किया था तब मुझे वो याद है कि जो वहाँ के एसपी ने शायद उनके ऊपर किस तरह का फिजिकल फोर्स यूज किया गया था. और उसके अलावा जब पुलिस उनको शायद उनके अरेस्ट करने गई थी वहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई थी और जो मतलब अपने जो सर्च किया था पुलिस ने उसमें AK-47 और ऐसे कुछ हथियार भी मिले. आपने रिका बैन के बारे में सुना होगा बिहार में जो तो इसके क्या इफेक्ट्स हैं? मैम अगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करूँ मैं तो अद्री इंस्टीट्यूट के अनुसार महिलाओं को जो घरेलू हिंसा होती थी निचले तबके में उसमें कमी आई है और साथ में जो पैसा जो उनका डिस्पोजेबल इनकम का जो हिस्सा शराब पे लगता था उसका हिस्सा शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह में खर्च हुआ है. मगर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें और इसके अलावा मैम एक इशू ये है कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनको अभी तक उनका कन्विक्शन चार्जेस अभी उनके ऊपर नहीं लगाए हैं. तो अगर अरेस्ट कर दिया है क्योंकि वो पी रहे थे तो फिर उनकी तो फिर अर्न करने की क्षमता खत्म हो गई तो फिर वो हाउस होल्ड में तो पॉवर्टी आ जाएगी. यस मैम. पर गवर्नमेंट उनके उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है उन्होंने कि उन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके और इसकी वजह से रेवेन्यू भी कम हो गया होगा बिहार. मैम सरकार ने ये जो कदम उठाया था ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी में जो इंश्राइंड है उसके अनुसार उठाया गया था. इसके अलावा उस सेक्शन से मांग भी आई थी शराबबंदी के लिए तो वो और अभी सरकार जो है वो अलग लेकिन ये भी सुनते हैं कि लीगल लिकर बहुत महंगा है बिहार में. यस मैम. मार्केट अंडरग्राउंड हो गया तो ज्यादा महंगा हो गया होगा. यस मैम. तो फिर इसके तो इफेक्ट ही खत्म हो गए सर. यस मैम. इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज है. अच्छा टूरिज्म के बारे में बताइए. बिहार में कुछ ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है? यस मैम. बिहार में महाबोधि है जहाँ पे बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था. महाबोधि मंदिर है. इसके अलावा नालंदा बिहार है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इसके अलावा मैम वहाँ पे म्यूजियम है पटना में जहाँ पे मौर्यकालीन जो भी उत्खनन प्राप्त हुए वो है. अब ये कोरोना वायरस के बारे में बहुत सुन रहे हैं आजकल पैंडेमिक इसको बताया जाता है. आप क्या समझती हैं इसकी वजह से कुछ हम लोग के ट्रेड में इम्पैक्ट होगा? मैम अभी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैम अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडस्ट्री बॉडी के साथ जो अपनी मीटिंग की थी उसमें बोला गया है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक्स हैं हमारे पास क्योंकि
हमारे बहुत सारे सेक्टर्स है जो वहाँ से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं, बट हाँ अगर ये ज्यादा दिनों तक रह गया तो लॉन्ग टर्म में हमारे ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। फार्मास्यूटिकल्स का क्या स्टेटस है? यस मैम, फार्मास्यूटिकल हम लोग जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। तो अभी 3 and 4 week का उन्होंने बोला है कि स्टॉक है उनके पास, बट बाद में उन्हें प्रॉब्लम। अच्छा, वर्ल्ड वाइड एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ने ये भी कहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द 20 कंट्रीज जहाँ पे कोरोना वायरस फैल सकता है। क्या समझते हैं आप, क्या वजह? मैम आज के जमाने में एपिडेमिक फैलने की सबसे बड़ी वजह तो ये जो पीपल टू पीपल आना जाना है वो बहुत तेज हो गया है। और उसके अलावा आपका कॉमन सेंस से कुछ बताइए मैम, वाइल्ड लाइफ की वजह से जिस कोरोना वायरस के मैन एनिमल इंटरफेस ज्यादा बढ़ गया है, और कुछ पॉवर्टी? यस मैम, पॉवर्टी पॉवर्टी एंड हमारा अर्बनाइजेशन बहुत ये बहुत संकेंद्रित है और इन सब वजहों से एपिडेमिक फैलने के चांसेस हैं। थैंक यू। रिचर्ड सिवान के किसी मशहूर व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? भारत में काफी मशहूर है। यस, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म सिवान में। अच्छा, आपके बिहार का नेपाल के साथ में भी सीमा है। नेपाल की वजह से कुछ एक समस्या हर साल होती है, क्या समस्या है? सर कोसी नदी सबसे मुख्य है, इसके अलावा सरयू और गंडक में भी। और उसके अलावा नेपाल से पानी छोड़ने के अलावा और भी क्या कारण हो सकते हैं? सर जो तराई में मधेशी लोग रहते हैं वो जो बिहार के मिथिला के लोग हैं उनके साथ उनका कल्चरल एंड काफी घरेलू मतलब वहाँ पे शाल रोटी और बेटी का संबंध ऐसा बोलते हैं कि है। तो उनके वजह से भी क्योंकि नेपाल में मधेशी एंड हिल पीपल के बीच में पॉलिटिकल इश्यूज चलते हैं, उस वजह से सर अक्सर जो है वो नेपाल की सरकार कहती है कि लोग क्राइम करके भाग आते हैं। यस सर। अच्छा ये बताइए कि क्लाउड स्टोरेज जो हम करते हैं डेटा का, इसके फायदे नुकसान क्या है? क्लाउड स्टोरेज जो हम डेटा का कर रहे हैं सर, फिलहाल तो मोस्टली जितने भी हमारे ऐसी प्रोवाइडर कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन वगैरह है वो सारी MNCs हैं, और ऐसे में आज जब डेटा प्राइवेसी का इशू बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो डेटा है वो उन कंपनीज के पास रहेगा, तो वो हमारे ऊपर सर्विलियंस कर सकते हैं या फिर बिना यूजर कंसेंट के थर्ड पार्टी को शेयर कर सकते हैं, तो ये एक इशू है। लोग से डेटा लेके तो यूज करते हैं? यस सर, अभी हुआ है। अच्छा, इस साल UN के 75 साल होने वाले, तो उसमें UN के जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो उसके चार्टर में लिखे हुए हैं उनमें से एक है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब बराबर होने चाहिए पूरी दुनिया भर के, आप समझते हैं ऐसा हुआ है या उस दिशा में हम आगे बढ़े? सर कुछ हद तक जब से UN का फॉर्मेशन हुआ है UN ने और ने कोशिश तो की है कि अपने सोशल और इकोनॉमिक जो भी उनके कार्यक्रम हैं उसके द्वारा निर्धनता और कुपोषण जैसी जो समस्याएं हैं विश्वभर में उसको दूर किया जाए, जैसे जो वो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो। सर UN के कौन से जितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताइए ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इस दिशा में काम कर रहे हैं? सर ISCOC है, इकोनॉमिक इश्यूज, इसके अलावा सर UNESCO है शिक्षा के लिए काम करता है, और सर आपसे क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात की गई, तो कितना सेफ है कि क्लाउड में हम अपना डेटा रखें? हमारा जैसे बहुत सारा डेटा होता है जो हम जनरेट करते हैं रोज, तो हम तो उसको पेन ड्राइव पे रख लेते हैं या तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे या पेन ड्राइव पे रखते हैं, हम डर के मारे इसको कॉल्ड स्टोरेज में भेज बाहर क्लाउड स्टोरेज भेजते नहीं है, तो कितना सेफ है वो? सर हम लोग अपने हार्ड डिस्क पे जो भी डेटा रखते हैं वो कम होता है सर, क्लाउड में बहुत बड़े अमाउंट में डेटा। हमें भी मालूम है, हमने सवाल ही आपसे पूछा। यस सर। तो सेफ कितना है क्लाउड में सर? जिन वो डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज तो करती है कंपनियां डेटा को सेव करने के लिए, तो आपने उन्हीं के हाथ में दे रखा है ना, फिर आप बताइए ना हमें क्या अधिकार है कि अपने डेटा को कैसे प्रिजर्व करें क्लाउड में,
ये एक समस्या हमें रोज आती है सर, इसके लिए हम लोग एक डेटा लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। नहीं सर, सोचिए सोचिए, सवाल हमारा समझिए। एक इंडिविजुअल को किस तरीके से अपना डेटा वो सेटिस्फाइड रहे, मेरा डेटा बिल्कुल सेफ रहे, कोई सेफ गार्ड है आपके पास या नहीं है, कोई फिल्टर्स हैं, ये वो है, या कोई ये सर इंक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं, तो कुछ हम कर सकते हैं उसे यूज? यस सर यूज कर सकते हैं। बताइए कौन सी है जो हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बताइए सर। इंक्रिप्शन टेक्निक्स होती है जैसे, एक बता दीजिए जो हम इस्तेमाल करें, हम कल खरीद लेंगे उसको, बता दीजिए सर। आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि सर पढ़ा है आपका सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्वांटम कंप्यूटिंग सर, क्वांटम संक्षेप में बताएं जो उससे कन्वेंशनल कंप्यूटिंग है उसके उसके उसकी जगह पे क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करती है। होती क्या फर्क क्या है इसमें और सर? कन्वेंशनल में हम जीरोस एंड वंस का यूज करते हैं और इसमें जो है हम लोग क्यूबिट्स का यूज करते हैं। क्यूबिट क्या होता है सर? जो हम लोग जो भी हमारा डेटा होगा हम लोग उसकी पोजिशनिंग के हिसाब से फिर उसे स्टोर करेंगे अप एंड डाउन। उसका फायदा क्या होगा सर? उसको फायदा ये होगा कि जैसे कि अभी हाल के दिनों में ट्रांजिस्टर की साइज एकदम अपनी फंडामेंटल फिजिकल लिमिट तक पहुंच गई है, तो ऐसे में कंप्यूटेशनल स्पीड बढ़ाने के लिए हमारा नेक्स्ट मूव एक क्वांटम कंप्यूटिंग के रूप में भी सामने आया है। इस पे कोई रिसर्च हो चुकी है? यस सर, गूगल ने पिछले साल किया है। क्या उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था सर? मुझे प्रोजेक्ट का एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी कि वो सफल हो गए हैं क्वांटम। क्या ये अब यूज में आने लगी है रोजमर्रा के यूज में क्वांटम? सर रोजमर्रा के यूज में तो अभी भी नहीं है। नहीं है, कब तक उम्मीद है ये आ जाएगी सर? मे बी इन नेक्स्ट 4-5 इयर्स। मुश्किल है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कम से कम 15 साल लगेंगे इसको सर फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू यूज। ऑर्डिनरी मींस फॉर बिजनेसेस एटसेट्रा। इट्स इन दिस वेरी स्टेज वेरी। अच्छा ये बताइए, बिहार के दो बहुत बड़े अचीवमेंट क्या है और कोई बताइए जो बिहार ने किया सर बिफोर इंडिपेंडेंस या अभी अभी हाल के दिनों? हाँ 75 साल सर, अभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट जो है वो बिहार ने अचीव किया हुआ है, घरों तक बिजली है सब में। आर यू श्योर? यस। सवाल ही नहीं सर, गवर्नमेंट ने तो बोला ही है। आई नो नहीं, कौन सी स्कीम है जिसके तहत? सर सौभाग्य नहीं किया है, आप दोबारा चेक करें, ये बिल्कुल गलत है। 25-30% हाउसहोल्ड्स स्टिल डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी और बिहार को बहुत ही पिछड़ी हुई स्टेट में गिना जाता है। उनको तो हम समझ सकते हैं कि पंजाब हो जैसे हुआ, हरियाणा हुआ या तमिलनाडु हुआ या महाराष्ट्र हुआ, आपकी कहाँ आप बात कर रही है? नहीं सर, उन्होंने ऊर्जा सचिव ने ऐसी देख लें यू नीड टू रीचेक योर डेटा वेरी सीरियसली बिकॉज नीति आयोग हैज सेड दैट 25-30% हाउसहोल्ड्स स्टिल डोंट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। उसमें ये सारे उड़ीसा, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब उसी उन्हीं में आते हैं। आपको चेक करने की आवश्यकता। एक तो ये आपने बताया जो मैं नहीं समझता हूँ, डाउटफुल है, हो सकता है आप सही हो लेकिन डाउटफुल है। और कोई बड़ा अचीवमेंट? यस सर, उन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जेंडर जो एनरोलमेंट था महिलाओं लड़कियों का उसको बढ़ाने में काफी अच्छी सफलता प्राप्त की। कितनी अब महिलाएं कितनी है आपके यहाँ लिटरेसी, कितनी क्या रेट क्या हो गया है? सर लिटरेसी रेट पिछले सेंसस के हिसाब से तो बिहार का 65% है। कम है आप सेंट्रल का क्या इस नेशनल एवरेज? 71 है। हाँ 71 की गई, आप तो कहीं भी नहीं है, आप तो आपने कोई ये कोई अचीवमेंट नहीं। अच्छा दो बताइए फेलियर कहाँ पे आपकी सरकार है जिसने कुछ नहीं कर पाया है, बिल्कुल फिसड्डी है सरकार? सर एक है इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाने में, रोजगार के अवसर जो है वो उतने अच्छे तरीके से सृजित नहीं हो पाए। और दूसरा सर इसमें बिल्कुल ग्लेयरिंग फेलियर है। एंड दूसरा सर वहाँ पे अभी भी कृषि क्षेत्र में और अभी और अधिक काम करना है। असली चीज तो आप भूलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पिछड़ा हुआ हिंदुस्तान में बिहार है।
ह्यूमन डेवलपमेंट. पॉवर्टी, हंगर, मेल न्यूट्रिशन, इन सब में बिहार नंबर सबसे, और हेल्थ में, एजुकेशन में, ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में बिहार सबसे थर्ड क्लास में. ये बहुत बड़ा फेयर है. अच्छा, आप कंप्यूटर से संबंधित है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में एक इंटरनेट के ऊपर एक जजमेंट दिया है. yes, क्या स्पेसिफिकली कहा है? सर, अनुराधाभूषण वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंटरनेट का यूज करके ट्रेड एंड कॉमर्स करने का अधिकार मौलिक अधिकार का अंग है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत. ट्रेड के लिए है? yes, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए और बात और अभिव्यक्ति के लिए भी बोला है. और कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, व्यूज, दिस आर्टिकल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड व्यूज, दिस आर्टिकल हैज दिस एक्सेस टू इंटरनेट हैज बीन प्लेस्ड अंडर आर्टिकल्स 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज अ फंडामेंटल अंडर आर्टिकल 19. यस सर, इंटरनेट को फंडामेंटल राइट घोषित नहीं किया है. नेट का एक्सेस टू नेट, एक्सेस टू नेट फॉर, सर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा, मैंने पढ़ा था कि फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स द यूज ऑफ इंटरनेट विल बी द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19. वर्ड इज कमिंग फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड व्यूज. यस सर, आर्ट. हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है. कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये सही है ये कहावत? इन सर्टेन केसेस यस. कोई है उदाहरण आपके पास हिंदुस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री से या यूरोप की हिस्ट्री से जो आप कहें हाँ ये उदाहरण है? यस सर, भारत के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे आपातकाल जो लागू हुआ था और अभी हाल के दिनों में जैसे मीडिया में खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपातकाल लगने की बात चल रही है या ऐसा कुछ. आपातकाल ये तो कहीं आ रहा है सर, हमने इतनी सी स्थिति का गंभीर नहीं है तो सर. सर ये फिर सोचिए आप. सर ऐसे अगर साम्राज्यवाद की बात हिस्ट्री की यूरोपियन हिस्ट्री की तो बड़ा एक बहुत अच्छा ज्वलंत उदाहरण है. नेपोलियन गए अटैक करने का, सबसे बड़ी पावर था यूरोप में, सबसे बड़ी पावर फ्रांस था, वो चले गए रशिया में, फंस गए, खत्म हो गए वहां उनकी, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ हिज डिफीट. हिटलर द मोस्ट डोमिनेंट पावर, वो वहां पहुंच गए, वो भी तो हिस्ट्री ने रिपीट किया. एक बड़े सिंपल एक उदाहरण है अगर आप देना चाहें. लास्ट सवाल, जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए हैं अभी पिछले एक आध साल में और अभी भी तीन चार गिनाइए जजमेंट जेंडर जिसमें जस्टिस किया. सर एक सायरा बानो वाद हो गया उसमें दिया था. हाँ, एक शबरीमाला उत्ती पुरानी राजीव गांधी के शबरीमाला, नहीं सर सायरा बानो ट्रिपल तलाक. हाँ शबरीमाला जी और ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक सायरा बानो, ट्रिपल तलाक शबरीमाला. सायरा बानो कहाँ की आप बात कर रही हैं? अच्छा सायरा बानो, करेक्ट करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली माय मिस्टेक, आई वाज कंफ्यूज्ड विद सायरा बानो. एंड द रिसेंटली जो मिलिट्री में महिलाओं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, अच्छे उदाहरण. अब हम बंद करते हैं आपका इंटरव्यू. हम आपको थोड़ा सा वो फीडबैक देंगे. आपने कैसा किया आप समझते हैं? थोड़ा अच्छा खासा किया है, लेकिन कुछ एरिया में आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए. जैसे आप बिहार की हैं तो बिहार के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं. हाँ, बिहार क्या सब पता करिए, आपकी वहाँ की जीडीपी क्या है, वहाँ के अचीवमेंट क्या है, कुछ तो सोच के निकालिए. yes, क्या फेलियर केस का है? सबसे बड़ा फेलियर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, और वहाँ करप्शन बहुत रहा है, लालू यादव वगैरह किस्म के लोग, और बाहुबली बहुत रहे हैं, समझ रहे हैं? वो मुसलमान मुस्लिम दो चार है ना, एमएलए एमपी वगैरह क्या करते हैं, जिनको दिल्ली में लाया गया था, तो वो सबको बहुत बड़ी समस्या रही. दूसरा है आपका ये कंप्यूटर साइंसेस पर कर दिया, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज. इम्पोर्टेंट शेड्यूल देख लीजिए, आपसे पांच और छह शेड्यूल के बारे में पूछा गया था? नहीं पूछा. अच्छा ऐसे हैं पांच छह, नाइन है, टेन है, बहुत बड़े
फिर अमेंडमेंट है 73, 74 वगैरह. फिर आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया था, जैसे इंसर्जेंसी नागालैंड, हुआवाई यूएसए, क्लाउड स्टोरेज, बिहार की पर्सनालिटीज क्या है, बिहार की रिवर्स क्या है. फिर आपसे पूछा गया था टेनिस जो आपकी हॉबी है, इन पर ही जरा सा जरूर दीजिए. अच्छा, आपसे पूछा कि आप क्यों वहाँ सर्विस में आना चाहती हैं. आपने एक एनेक्डोट बताई कि कोई एसपी कलेक्टर थे. एनेक्डोट बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, इसमें समय बिल्कुल ना बर्बाद करें. आप ये भारत की सर्वोच्च सेवाएं हैं, इसके आने से मुझे बहुत अच्छा करियर मिलेगा और मुझे बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा पब्लिक सर्विस. और कुछ ना कहना कि ये वो थे, वो मेरे मॉडल थे, ये मॉडल थे, कोई कहने की जरूरत नहीं. महात्मा गांधी को मॉडल बनाया था फॉर्म या मैंडेला को, लेकिन इनको तो नहीं बना सकती यार सिविल सर्विस. चलिए, गुड लक. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.